नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का जताया आभार। कहा, गुजरात के नतीजों ने यह सिद्ध किया है कि भाजपा ही भरोसे का है दूसरा नाम। गुजरात में भाजपा ने 156 सीट जीत कर लिख दिया इतिहास। 53% से अधिक लोगों ने भाजपा में जताई अपनी आस्था और गुजरात के विकास मॉडल पर लगाई मुहर। भाजपा ने आजम खां के मजबूत किले को किया ध्वस्त। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा में बचाई परिवार की विरासत। लोकदल खतौली चुनाव जीतकर खुश। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुसीबतें नहीं हो रही हैं कम। प्रवर्तन निदेशालय ने अमेठी में परिवार के नाम 5 संपत्तियों को किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीति की परिपाटी बदली है, वहीं राष्ट्र के उत्थान का मॉडल लेकर आगे बढ़ रही है और देश में विकास की राजनीति शुरू की है। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत माता की वंदे, मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक ओर जहां लोकतंत्र को मजबूती दी है, वहीं जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। राज्य में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को नए आयाम देने और उसे नई सदी के संकल्पों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देते हैं। युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के मामूली वोट प्रतिशत के अंतर से हारने के बाद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि जन विकास और राज्य विकास की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%।
जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम, इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए बरसब प्रयास किया है। वहीं उन्होंने बिहार के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा पर बढ़ते विश्वास की एक वानगी बताया। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना, और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा दूरगामी लक्ष्य को मद्देनजर रखकर काम करती है और सिर्फ चुनावी नफे नुकसान के लिए काम नहीं करती है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है, समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। प्रधानमंत्री ने जनता को आगाह किया कि चुनावी दलों को जांचने परखने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत में बंटवारे की राजनीति को दरकिनार करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के साथ आगे बढ़ना है। वहीं गुजरात में भाजपा का बेदखला और भी मजबूत हुआ है। राज्य की राजनीति में भाजपा ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। 50% से ज्यादा के मत के साथ पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की। गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, राज्य विधानसभा के इतिहास में ये जीत सबसे बड़ी है। साल 1985 के बाद किसी भी दल ने विधानसभा में अपने दम पर 149 का रिकॉर्ड आंकड़ा पार किया है। भाजपा ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ ही दिया तो जश्न क्यों ना हो। ये बड़ी जीत है भाजपा के लिए, बड़ी भी जीत है। राम मंदिर का जो मरह है और 370 में कलम हटाई और गुजरात में विकास अच्छा किया है और भारत में आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको निपटा है, इसलिए भाजपा की जीत है। 500 साल से तंबू में रामचंद्र जी, उनको भव्य मंदिर बन रहा है। हमारे 370 हटाया, उनको फूल रोल उड़ी का है। मोदी जी जिंदाबाद। गुजरात की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है, भाजपा की ये सबसे बड़ी जीत है। साल 2002 में भाजपा ने सबसे बड़ी जीत अब तक की हासिल की थी। विधानसभा में उसने 127 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। ठीक 20 साल बाद हुए चुनाव में 155 से ज्यादा सीट जीतकर सभी रिकॉर्ड न सिर्फ ध्वस्त किए बल्कि एक ऐसा मानक भी बना डाला जिसे दोहरा पाना आसान तो कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थित किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं।
साल 1985 में कांग्रेस ने राज्य में 149 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। तब कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद कोई भी उनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया था। बीते 27 साल से भाजपा प्रदेश की सत्ता में है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी के हौसले चुनाव की घोषणा से ही काफी बुलंद थे। पार्टी दावा कर रही थी कि इस बार उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, 150 से ज्यादा सीटें उनके खाते में होंगी। और जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर भी साफ हो गई। 155 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल कर भाजपा सबसे बड़ी जीत का एक नया रिकॉर्ड कायम कर गई। आप सबकी शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। एक ओर भाजपा को जहां एक तरफा जीत मिली तो दूसरी ओर कांग्रेस हाशिए पर नजर आई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुद्दे जनता के बीच चल नहीं पाए और आंकड़ा 20 का भी पार न कर सकी। वहीं राज्य की राजनीति में बड़े ही हो हल्ला के साथ दस्तक देने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता सीटों के लिहाज से नहीं मिली और पार्टी के शीर्ष नेताओं के कई बड़े दावे भी औंधे मुंह गिर गए। आप दहाई का आंकड़ा भी पार न कर सकी। राज्य में भाजपा की जीत से ये तो स्पष्ट है कि प्रदेश में पार्टी का संगठन काफी मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा गुजरात की जनता के बीच दिनों दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ हुए प्रदेश के उपचुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग खुशी लेकर आए हैं। भाजपा जहां गुजरात में 156 सीट जीतकर और आजम के गढ़ को तोड़ने की सफलता से खुश है, तो वहीं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता की वापसी को लेकर खुश है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनने पर खुश है, तो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ और विरासत बचाने को लेकर खुश है। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में खतौली सीट का चुनाव जीतकर खुश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हुए मैनपुरी लोकसभा और रामपुर तथा खतौली विधानसभा उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और जनता जनार्दन के प्रति आभार जताया। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को भारी अंतर से हराया। देखिए, मैं रामपुर की हर बुजुर्ग माता हर बुजुर्ग पिता का आशीर्वाद मैंने पहले भी कहा था, मैं उनका लूंगा। यहाँ हमारे साथ उन सब ने जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। कभी यहाँ के मुसलमानों को कभी कोई इज्जत नहीं दी गई, यहाँ के मुसलमानों को हमेशा दबा के रखा गया और यहाँ के मुसलमान के प्यार को हमेशा गुलामियत समझा गया। आज उसी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ यहाँ का मुस्लिम आज आगे आया है, इसके लिए मैं उनका बहुत। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 2,88,461 मतों से हराया। डिंपल यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी से जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ जीत है। मैनपुरी की जनता ने नेताजी को तहे दिल से श्रद्धांजलि दी। मैनपुरी के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि वे नेताजी के अधूरे कामों को पूरा करेंगे, उन्हीं की मेलजोल की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। उसका समर्थन जनता ने किया है, इसलिए मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने परिवार के नाम दर्ज कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है। गायत्री प्रजापति पर अखिलेश सरकार के समय खनन में भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ था। ईडी ने गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति और उनकी दोनों पुत्रियां सुधा और अंकिता के नाम दर्ज 5 भूखंडों को जब्त कर उस पर नोटिस चस्पा कर दी है। ईडी ने अमेठी कस्बे के धम्मौर रोड स्थित विमल पैलेस को भी जब्त कर लिया है। देश को पहली बार मिली G20 की अध्यक्षता की ब्रांडिंग रेलवे के माध्यम से भी की जा रही है। नीति आयोग ने सभी राज्यों के साथ रेलवे को भी इसकी जिम्मेदारी दी है। G20 की ब्रांडिंग रेलवे स्टेशन से लेकर रेल के डिब्बों में भी देखने को मिल रही है। देश किसी भी स्तर तक इस उपलब्धि को प्रचारित और प्रसारित करना चाहता है। प्रयागराज, आगरा, कानपुर, मथुरा, मिर्जापुर, अलीगढ़, इटावा, ग्वालियर, झांसी, उरई, फतेहपुर, खुर्जा, टूंडला और बांदा समेत कई रेलवे स्टेशनों पर इससे संबंधित जानकारी लोगों को उपलब्ध होगी। वीआईपी ट्रेनों पर भी लगी स्क्रीन में भी G20 का लोगो दिखाया जाएगा। देखिए, ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़े गौरव और हर्ष की बात है कि G20 जैसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठन की मेजबानी करने का और अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। ये एक राष्ट्रीय गर्व का विषय है और इस गर्व के विषय को, जैसा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में है कि अच्छी बात को, अच्छी चीज़ों को हम सब में आपस में बांटते हैं, तो उसी गर्व को हम लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों में गर्व की अनुभूति हो कि इतने महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत को मिली है, इस स्तर से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के लगभग सभी स्टेशनों पर G20 से संबंधित बैनर, पोस्टर, लोगो इत्यादि प्रदर्शित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को भी इस बात की जानकारी। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कर। फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कैंट बोर्ड बरेली को रक्षा मंत्री अवार्ड के लिए चुना गया है। स्वच्छ छावनी, स्वस्थ छावनी की बी कैटेगरी के लिए यह चयन हुआ है। कैंट बोर्ड को स्वच्छता में पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। वर्ष 2022 के लिए रक्षा मंत्री अवार्ड 7 कैटेगरी में आयोजित किया गया था। इसमें स्वच्छ छावनी, स्वस्थ छावनी के अंतर्गत बरेली कैंट बोर्ड को चुना गया है। बरेली छावनी परिषद में अप्रैल 2022 में गार्बेज टू गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस अवार्ड के लिए इस प्रोजेक्ट ने अहम भूमिका निभाई है। प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराकर उसमें गीला सूखा कूड़ा अलग कर सूखे कूड़े का निस्तारण करती है और गीले कूड़े से खाद बनाने का काम किया जा रहा है और इस खाद को बोर्ड बेचकर आय अर्जित कर रहा है। कैंट बोर्ड ने यह प्रोजेक्ट बहुत ही कम कीमत में शुरू किया था और 6 महीने में 70,000 मीट्रिक टन कूड़े का सफाया कर दिया। इसके साथ कूड़े में निकले कबाड़ से एक पार्क भी तैयार किया गया है, जिसमें टायर, बेकार सामान से कुर्सी टेबल तैयार किए गए हैं। ये अवार्ड जो है रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है और इसमें पूरे 62 कैंटों में जो कैटेगरी 2 कैंट है, जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है, उनमें जो भी स्वच्छता में नंबर 1 है, तो उसमें बरेली को नंबर 1 स्थान मिला है पूरे भारत में, बरेली कैंट को, इसलिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। पूरे कैंट में स्वच्छता की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए हमने गार्बेज टू गोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका मुख्य फोकस था कि जहाँ से कचरा जनरेट हो रहा है, जैसे घरों से, बड़े बड़े यहाँ की आर्मी की यूनिट से, वहाँ और रोड से सीधे कचरा उठे और हमारे गार्बेज टू गोल्ड सेंटर, जहाँ पर कचरे का निस्तारण करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, वहाँ पर कचरा यह जाए और वहाँ पर फिर सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग
और अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उसका निस्तारण किया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जनपद फतेहपुर में छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थी को सीधे 35% का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। जनपद फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक अंतर्गत दमापुर गांव में विवेक श्रीवास्तव ने उद्यान विभाग की मदद से लगभग 48 लाख का बैंक ऋण लेकर पशु आहार उत्पादन यूनिट स्थापित किया है। इस एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से प्रतिदिन लगभग 10 टन माल का उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। जनपद में 124 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है। जो पशु आहार जो बनाने की यूनिट लगाई रखी है उनकी कुल 48 लाख की वो यूनिट लगी हुई है। इस तरीके से उन्होंने बड़ा यूनिट लगा रखा है और उससे कई अपने बेरोजगारों को जो गांव के हैं उनको वो रोजगार दे रहे हैं। उनका बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं पीएमए एफएमई का सहारा लेकर अपनी यूनिट दूध संगम पशुहार नाम से चालू किए, जिससे आसपास गांव के जो बेरोजगार लोग थे उनको भी उससे सहारा मिला है। काफ़ी 10-12-14 लोगों को ने रोजगार दिया है। तो इससे अगर किसी अन्य व्यक्ति को अगर कुछ करना है, कुछ यूनिट डालना है या कुछ कर मतलब आगे बढ़ना है तो पीएमए एफएमई का सहारा ले सकता है। अच्छी है ये चीज़। पहले बाहर जाता था तो वहाँ काम करना पड़ता था, नहीं तो अब मुझको यहीं अपने फतेहपुर में जनपद में काम मिल चुका है तो अब मैं यहीं काम करता हूँ। पशुहार का नहीं, पशुहार बनाते हैं नहीं जी, मुझे नहीं यहीं नहीं अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा नहीं, मुझे यहीं काम मिल गया है। हमको ठीक है, कंपनी हो गई, अपन कमा रहे हैं यहीं। पशु आहार है, पशु आहार की कंपनी है, अपन भिड़े हैं इधर ही कर रहे हैं काम। यहाँ बहुत आराम हो गए, नकदीत हो गया, अब हमको पैसा अच्छा खासा मिल रहा, अपन कमा रहे हैं। जनपद बाराबंकी में किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए 64 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से तेजी से खरीद की जा रही है। इस बार 1.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 29,000 मीट्रिक टन की तौल हो चुकी है। जहां किसान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में टोकन लेकर अपना धान बेच रहे हैं। धान बिक्री के 48 घंटे के अंदर किसानों के खातों में सीधे आधार लिंक वाले बैंक अकाउंट में धनराशि भेजी जा रही है, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धान की खरीद जनपद में शुरू हो गई है 1 नवंबर से। 1,85,000 एमटी का लक्ष्य जनपद को प्राप्त हुआ था, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने अभी तक 29,000 एमटी खरीद कर लिया है। लगभग 1% प्रतिदिन हम लोग खरीद कर रहे हैं और किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए ऑनलाइन काफ़ी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और टास्क फोर्स भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से बनाया गया है कि जो कि मिलों पे जा करके उनकी जांच करेगी, उनके स्टॉक का सत्यापन करेगी, ताकि कोई भी डायरेक्ट धान उनके द्वारा अनअकाउंटेड धान न खरीदा जाए। किसानों को मंडियों में काफ़ी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, उनके बैठने की व्यवस्था इत्यादि की और पानी वगैरह के लिए भी व्यवस्था की गई है। आज हमें यहाँ टोकन की डेट मिली थी और धान लेकर हम आए थे, हमारी ट्राली तौली जा रही है। यहाँ तौल करवाने में कोई प्रकार की असुविधा नहीं है और योगी सरकार की नीति की वजह से 100 रुपये कुंटल जो है धान का रेट भी बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को, हमको, सभी भाइयों को जो है उसका लाभ मिल रहा है। शामली जिले के इलम नगर पंचायत ने चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में सुंदर सरोवर प्रतिमा स्थल का निर्माण कराया है। जहां निर्माण हुआ था वह क्षेत्र गंदगी और अतिक्रमण के कारण समाप्त सा हो रहा था। इस जमीन को खाली कराकर
पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। ये सरोवर आजाद नगर मोहल्ले में बनाया गया है। आजादी के आंदोलन के नायकों को नई पीढ़ी जान सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। कई जनपदों से लोग यहां आते हैं और इस स्थल का अवलोकन करते हैं। सरोवर स्थल में सुंदर सजावट की गई है, रंग बिरंगे लाइटें लगाई गई हैं, दीवारों पर पेंटिंग की गई है। इसमें अंग्रेज अधिकारियों से चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष दिखाया गया है। स्लोगन के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना व्यक्त की गई है। यहां पर आने वाले पर्यटक नगर पालिका को इसके लिए बधाई देते हैं। एक्चुअली जहाँ पे मैंने ये चंद्रशेखर आजाद सरोवर बनाया है, यहाँ पे ये सारी भूमि अतिक्रमित थी, जो कि कस्बे के लोगों ने कभी पुराना इन पे कब्जा करके कुर्डियाँ डाली हुई थी। तो मैं जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत उस चीज़ के लिए सफ़र करती थी कि यहाँ पे बहुत गंदगी है और हमारे पॉइंट्स डाउन हो जाते थे, तो बार बार ख्याल आता था कि इसे जो है किसी पार्क में या किसी इसमें डेवलप कर दिया जाए। तो उसके लिए मैंने प्रयास किए और 2-3 साल इसमें मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी विरोध हुआ जिन लोगों के इन पे कब्जे थे, तो उसे छुड़ाने में मुझे लगभग इसे 2-2.5 साल पूरा करने में लग गए। उसके बाद फिर मुझे आइडिया आया, एक्चुअली ये जो वार्ड है इसका वार्ड का नाम है आज़ाद नगर, तो आज़ाद नगर वार्ड से ही मुझे क्लिक हुआ कि मैं क्यों ना यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के उससे ही एक सरोवर बना दूँ, क्योंकि ये तालाब की भूमि थी और उन्हीं के नाम पर इसे बना दिया जाए। ये जो काम हुआ यहाँ पे, ये सबसे अच्छा काम हुआ जो यहाँ है। जो पहले कूड़ा था, गंदगी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बहुत दूर दूर के आसपास के गांव वाले लोग भी यहाँ पे से देखने आते हैं। आजमगढ़ आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद असद अब्दुल्ला ने 6 सीटर बाइक का निर्माण किया है, जो 10 रुपए में 160 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। महंगे डीजल और पेट्रोल से बाइक निजात दिलाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने अरशद की इस 6 सीटर बाइक को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। असद का कहना है कि ये बाइक उन्होंने अपने शौक के लिए बनाई है, इससे पहले भी उन्होंने केटीएम बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदला है। इसमें मैंने जो है मोटर में हब मोटर यूज़ किया है, जो कि नॉर्मल स्कूटी में होता है, और एक 1000 वाट का, और 1000 वाट का मैंने कंट्रोलर भी रीजनरेटिव यूज़ किया है। और इसमें मैंने लिथियम फास्फेट बैटरी लगाई है, जो कि 48 वोल्ट 30 AH की बैटरी है। दिन ब दिन जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये देख के मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि जो है गाँव के लोग, देहात के लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकें आसानी से और कम दामों पर, ये सोचकर मैंने इसको बनाया, क्योंकि मैं भी एक किसान के घर का हूँ, किसान बैकग्राउंड है मेरा। प्रतिभा पर कभी दिव्यांगता हावी नहीं होती है। आप में करने का साहस हो तो कोई शारीरिक कमजोरी आपको रोक नहीं सकती है। संबल के दिव्यांग चित्रकार विमल कुमार गले में पेंसिल बांधकर पेंटिंग करते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चित्र बनाए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई नेताओं और राष्ट्र पुरुषों के चित्र बनाए हैं। दिव्यांग होने के बाद भी उनकी पेंटिंग देखने लायक, और पिछले 5 वर्षों से वो पेंटिंग विधा से जुड़े हुए हैं। ये दूसरों को प्रेरित भी करते हैं कि दिव्यांगता को शरीर पर हावी न होने दें। गुजरात की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का जताया आभार। कहा, गुजरात के नतीजों ने यह सिद्ध किया है कि भाजपा ही भरोसे का है दूसरा नाम। गुजरात में भाजपा ने 156 सीट जीत कर लिख दिया इतिहास। 53% से अधिक लोगों ने भाजपा में जताई अपनी आस्था और गुजरात के विकास मॉडल पर लगाई मुहर। भाजपा ने आजम खां के मजबूत किले को किया ध्वस्त। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा में बचाई परिवार की विरासत। लोकदल खतौली चुनाव जीतकर खुश। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुसीबतें नहीं हो रही हैं कम। प्रवर्तन निदेशालय ने अमेठी में परिवार के नाम 5 संपत्तियों को किया जब्त।